दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारी वैकेंसी लेके, जैसे कि SRF, BSNL, HAL, RCFL, NASA, BIM और हीरो मोटर्स, इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कंपनियों में, जो DET के लिए भी हैं और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। ऐसा कंपलसरी नहीं, इन कंपनियों में ही आपका DET के लिए वैकेंसी, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो DET के लिए और ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए भी हैं और अप्रेंटिस के लिए भी हैं। तो दोस्तों तो मैं अभी वैकेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाके ना इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट वैकेंसी है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में है। मैं आपको बता दूँ केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी इसका आया है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड के लिए, जहाँ पर 20 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रीशियन कम लाइन मैन ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी एक है। मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी होती है वो IT वालों के लिए रहती है, ठीक है। तो अभी केवल ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर अपडेट आएगा, इसका बड़ा नोटिफिकेशन आएगा जो hindustancopper.com पे आएगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कितनी किस किस ट्रेड के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा, एज क्या है, हैं रिजर्वेशन क्या क्या, एक्सपीरियंस क्या है, सारी डिटेल्स मिलेंगी। अभी तक वहाँ फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए मैं आपको फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसका खेद है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे ये नोटिफिकेशन पूरा होगा मैं आपके सामने लॉन्ग नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों SRF लिमिटेड दहेज लोकेशन के लिए, जहाँ पर जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। आप एक देख लेना जॉब कोड दिया, जॉब कोड स्पेशल दिया, जब आप अप्लाई करोगे मेल आईडी पे भेजोगे तो उस जॉब कोड को मेंशन करो, जिससे क्या उनके लिए इजी हो जाए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख रहे हो रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग IT फिटर, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा, वो एक्सपीरियंस आपका केमिकल प्लांट का होना चाहिए। यहाँ पर आपका पूरा एक्सपीरियंस बता दिया गया है। देखो कोई भी प्लांट हो वहाँ पे आपको सेफ्टी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बाकी का मैन पावर हैंडलिंग हर एक जगह, बाकी का जो चीज़ें हैं जैसे इक्विपमेंट है उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया है दोनों के लिए, JEE के लिए यहाँ पे MECHJ ये कोड है, जॉब कोड, और टेक्नीशियन के लिए MECHT, ठीक है। नेक्स्ट चलूँ जूनियर इंजीनियर DCS फील्ड और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, जॉब प्रोटेक्शन के लिए जॉब कोड दिए गए हैं, आप खुद से देख सकते हैं। अब नॉलेज दे दिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और रेगुलर ITAOCP फॉर 2 ईयर, यहाँ पर 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा, बैच एंड कंटिन्यूस केमिकल प्लांट का भी चलेगा। यहाँ पे वही चीज़ है, आपको सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए और बाकी के सारे कॉलम्स जो भी बताए हैं वो नॉलेज होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस उसका रिलेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल के लिए वैकेंसी, BSc MSc केमिस्ट्री से मांगा है, जॉब कोड सामने दिया गया है, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है केमिकल फार्मा प्लांट का, ठीक है, यहाँ पर पूरा बता दिया गया इसके बारे में। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ITMCP, जहाँ पर 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस केमिकल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल का चलेगा। यहाँ पर जॉब कोड दिया गया है, JEE के लिए अलग दिया गया है और टेक्नीशियन के लिए अलग दिया गया है। यहाँ पे सीधा लिख दिया है कि देखो एक चीज़ बताऊँ, आपको जॉब कोड मेंशन करना है रिज्यूम के साथ, यहाँ पे भेजेंगे तो जॉब कोड मेंशन करना है जिससे उनके लिए इजी हो जाए, ठीक है। या मेल आईडी दी गई है HR.RECRUIT@SRF.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के लिए, जहाँ पर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा केमिकल मैकेनिकल BSc केमिस्ट्री 0 to 1 year एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रनिंग एवेपोरेशन प्लांट प्रोसेस प्लांट, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फुल टाइम जॉब है, राजस्थान लोकेशन के लिए है, और आपके जो है सैलरी वो डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू पे। या मेल आईडी दी गई जिस पर आप अप्लाई करते हैं HRD@SPAARPROCEEE.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो गए ड्रग्स सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर वी फार्मा एम फार्मा BHMS मांगा है, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता दी गई हैं। यहाँ पर मेल आईडी दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है HR@FIDELITYHS.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ।
नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आरए के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे दोस्तों 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जीरो से, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा एम फार्मा वाले। नेक्स्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस मतलब जीरो भी एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा एम फार्मा वाले। ये दोस्तों इंटरव्यू मंडे टू फ्राइडे होने वाला है 3 से 5। यहाँ पर पूरा एड्रेस इसका दिया गया, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो मेल आईडी दी गई जिस पर आप अपना सीवी करना है, hrdho@wstcoastin.com। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे और ये जो इंटरव्यू अरेंज होने वाले हैं वो 14 मई 2021 से 31 मई 2021 11 से 4:30 बजे तक होने वाला है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है, पहले ही बता दिया उन्होंने। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी जहाँ बी फार्मा एम फार्मा 8 वैकेंसी हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया है। प्रोडक्शन में ओएसडी के लिए वैकेंसी जहाँ पर ऑपरेटर आईटी डिप्लोमा और एनी यूजी 7 वैकेंसी हैं, एक्सपीरियंस बता देगा। इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी ऑपरेटर आईटी डिप्लोमा 3 वैकेंसी, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव आईटी डिप्लोमा और एनी यूजी 5 वैकेंसी वाटर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियरिंग ऑपरेटर आईटी डिप्लोमा 3 वैकेंसी एचवीएसी के लिए, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव आईटी डिप्लोमा और एनी यूजी 5 वैकेंसी एचवीएसी के लिए। नेक्स्ट बात करूँ तो QA के लिए वैकेंसी एग्जीक्यूटिव के लिए, बी फार्मा एम फार्मा 5 साल का एक्सपीरियंस, जो IPQA के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस जो सबका है 2 से 8 साल का होना चाहिए, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर दें, अगर आपका शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको कॉल किया जाएगा sentihil.m@acorttlifespec.in। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे और यहाँ पे मेल आईडी पहले दे दी गई caregiversi@nginduestries.com या आप HR1 लगा के भी इस आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है यूनिट हेड के लिए मिनिमम 15+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, जो क्वालिफिकेशन में दोस्तों बीटेक और बीई केमिकल चाहिए। एचआर एडमिन एचआर के लिए वैकेंसी 10+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एज 40+। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो QA एंड QC मैनेजर के लिए वैकेंसी 10+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, MSc BSc चलेगा। परचेज मैनेजर के लिए वैकेंसी 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, BSc MSc BE केमिकल चलेगा। R&D के लिए वैकेंसी हेड के लिए जहाँ 15+ ईयर एक्सपीरियंस, PhD BSc MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर दोस्तों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए जहाँ पर दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए प्लस एनी ग्रेजुएशन चलेगा। R&D केमिस्ट के लिए वैकेंसी 2+ ईयर एक्सपीरियंस चलेगा, BSc MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करूँ मैनेजर स्टोर के लिए वैकेंसी 8+ ईयर एक्सपीरियंस। इंटरनल ऑडिटर के लिए वैकेंसी 3+ ईयर एक्सपीरियंस। CA के लिए वैकेंसी है जो CA क्वालिफिकेशन मांगा है। दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी 1.5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, या फीमेल और मेरिट को प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट बात करूँ AM प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, BBTech चाहिए यहाँ पे बता दिया रिलेटिव। यहाँ पे दोस्तों एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए वैकेंसी GET फ्रेशर, आप BTech या BE करे हुए हो केमिकल इंजीनियरिंग से तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे और यहाँ पर जो वैकेंसी आपको देख रहे हो कि TAE के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में दोस्तों साइंस एंड फार्मासी ग्रेजुएट चाहिए, जो BSc MSc बी फार्मा और एम फार्मा विद एबव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन TND QA फंक्शन। तो यहाँ मेल आईडी दी गई है जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर दें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो RAJESH THAKOR@aculife.co.in। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। ऑलरेडी मैं RFCL वाला जो नोटिफिकेशन बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मैनेजर फाइनेंस के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उस पर ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाएं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसका 27/5/2021 लास्ट डेट है, ठीक है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं rcflltd.com। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी फूड कंपनी में यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आप देख रहे होंगे, API गेटवे सपोर्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरीके से यहाँ पे ना बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आप देखो,
तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों बजाज में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरिया मैनेजर्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप देख रहे होगे, आप यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं पुणे लोकेशन, अलग अलग लोकेशन के लिए। यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऊपर देखो लिंक दिख रही हुई BAJAFINSERV.IN/career-opportunities, ठीक है, यहाँ पे आना और अप्लाई कर देना। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों हीरो में, हीरो में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कि जो वैकेंसी है जयपुर लोकेशन के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे सीनियर इंजीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी गई, स्किल बता दी गई, यहाँ पे एजुकेशन सारी जो है बता दी गई। यहाँ पे जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, ड्राफ्टिंग, कैट इंजीनियर इंजीनियरिंग, अप्लाई करने के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे पावर फंक्शन, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता दी गई हैं, और एजुकेशन यहाँ पे डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर रिलेटिव, तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना रहेगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। ये लिंक आपको इजीली मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों IVM है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बैचलर डिग्री मांगा गया है वो फुल टाइम होना चाहिए। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इसकी बता दी गई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इन्फोटेक सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वैकेंसी है, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पर मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन वो बैचलर होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 4 ईयर एक्सपीरियंस एसोसिएट डिग्री। और यहाँ पे बता दिए गए जो क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस मिलेगा, 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, IT सपोर्ट, IT मैनेजमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों नासा में, नासा के लिए ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर AST इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर जो इसका लास्ट डेट है 6/1/2021 है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसका बता दिया गया है लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपको यहाँ पे QA केमिस्ट के लिए ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे बैचलर मांगा हुआ है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बी फार्मा, एम फार्मा, MSc, BTech है, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट वैकेंसी BSNL में, मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर दोस्तों टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज है, और वर्किंग पूरा बता दिया गया यहाँ पर, जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जिससे आपको इजी हो जाए, ठीक है। ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे, और इसका जो लिंक है आपको ऊपर दिख रहा होगा, जहाँ से आप इजीली आ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो DTE के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। और यहाँ पे जो जॉब डिस्कशन है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर फाइनली क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिप्लोमा इंजीनियर डिग्री, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, जो वर्किंग एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, फिर भी जैसे यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओ, दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों RCFL में है, इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनेजर फाइनेंस के लिए CA CMA में मांगा गया, और या आपके पास रेगुलर एंड फुल टाइम ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस, मतलब BCom, BMS, BAF, BBA प्लस MBA, MS है, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया बताया गया है कि आपको क्या परसेंटेज होना चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, और ये बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर बताए गए। उसके लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना रहेगा,
इसके RCFL के, जहाँ से आप इजीली इसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत।